वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। सीएम हेल्पलाइन शिकायत की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने राज्य की जनता के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप सीधा मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं और अपनी सभी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में 24/7 हेल्पलाइन नंबर यानी 181 पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से भारत देश का कोई भी नागरिक अपनी सभी समस्या बता सकता है और इसके साथ ही व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर अपनी दिक्कत शेयर कर सकता है। लेकिन वहीं अब इस हेल्पलाइन से जहां लोगों की समस्याओं का निवारण होता था, वहीं अब लोग इसमें उल्टा फंसते नजर आ रहे हैं। जी, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आमजन की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन इन दिनों ब्लैकमेलिंग का अड्डा जैसा बन गया है। मामला बुरहानपुर का है, जिसमें गणपति नाका पुलिस के पास एक आवेदक इशाक पिता इस्माइल पहुंचा था, जिसने शिकायत की थी कि उसका भाई जेल में है। उसने आरोप लगाया कि एक महिला के माध्यम से जमीला बी और मुस्तफा नामक व्यक्तियों ने रेप का केस दर्ज कराया था, जिसमें उनका भाई जेल में बंद है। अब उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर उसे और उसके माता पिता को भी रेप केस में आरोपी बनाने की शिकायत की है, जिसमें वो जांच शुरू होने के बाद वो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। लोगों ने उन्हें धमकाया कि अगर पैसे नहीं देंगे तो वो रेप केस में उन्हें भी आरोपी बना देंगे। पुलिस ने इशाक की शिकायत की जांच की तो जमीला बी और मुस्तफा द्वारा धमकाए जाने की बात सही पाई, तो उसके खिलाफ धारा 337 और 34 का मामला दर्ज किया गया। बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन किसी पीड़ित आमजन की शिकायत का निराकरण करने के लिए बनाया गया है। पब्लिक पोर्टल है, कई बार पोर्टल का दुरुपयोग विरोधी पक्ष की झूठी शिकायत करने, सामने वाले पक्ष पे दबाव बनाने, पैसे ऐंठने के लिए किए जाने का मामला सामने आया है। हेल्पलाइन का दुरुपयोग कर झूठी शिकायत करने, रुपए ऐंठने पर बुरहानपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मध्य प्रदेश की तमाम सच्ची और अच्छी खबर देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़।